हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने पहले पार्ट में बताया कि हैकर्स कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं और कैसे हम बच सकते हैं हैकर से, ताकि हमारी मोबाइल डिवाइसेस पे कोई भी कंट्रोल ना बना सके। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरे ऐसे मेथड्स जिनका इस्तेमाल हैकर्स करते हैं, उन्हें हम कैसे डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे बचेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले, अब तक जो मेथड्स को हम जान चुके हैं उनमें एक और भी मेथड्स है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे भी हैकर्स होते हैं कि वो आपके मोबाइल फ़ोन को टच ही नहीं करेंगे, फिर भी वो कंट्रोल बना लेते हैं, ना कोई लिंक भेजेंगे ना कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी डिवाइस पे कंट्रोल बना सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे बड़ा जो कारण है, अगर कोई ऐसा कर पा रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो कारण होगा उसे बोला जाएगा जीरो डे। जीरो डे क्या होता है कि किसी भी आपके फ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि एंड्रॉयड है, किटकैट है, जेलीबीन है, ओरियो है, कलर्स है, मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज़ कर रहा है, अगर उसकी कोई वल्नरेबिलिटी, जिसका अभी तक किसी को नहीं पता है, किसी हैकर के हाथ वो वल्नरेबिलिटी लग जाए, तो वो उसका फ़ायदा उठाकर आपकी मोबाइल डिवाइस पर कंट्रोल बना सकता है। या कोई एप्लीकेशन जो आपने अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर रखी है या कंपलसरी वो आपके फ़ोन के अंदर होती है, और उस एप्लीकेशन के अंदर कोई कमी है, जिसे हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, तो उस कमी का भी फ़ायदा उठा के जो हैकर हैं वो आपकी मोबाइल डिवाइस पे कंट्रोल बना सकते हैं। तो जीरो डे अटैक्स के लिए ज़्यादातर तो देखो पैच जो है कंपनी जारी करती रहती है, पैच आपने देखा होगा, पैच और अपडेट आते रहते हैं जिन्हें आप अपडेट करके अपनी डिवाइस को सिक्योर रख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जीरो डे के बारे में तो देखो बहुत बड़ी चीज़ ये हो जाती है, जो एक्सपर्ट हैकर्स हैं वो उन्हें पेनेट्रेशन बग हंटिंग करके या पेन टेस्टिंग करके ही उन चीज़ों का वो पता लगा पाते हैं कि कौन सी वल्नरेबिलिटी है, तो ये काफ़ी टॉप लेवल का है। इसके बारे में तो देखो बात ये है कि किसी को पता ही नहीं रहेगा, अगर इस तरह की किसी कमी को कोई कंपनी को ही बताए तो उसे ज़्यादा फायदा होगा बजाय उसका मिसयूज़ करने के। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं अगले मेथड के बारे में, जिसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग। गाइस, सोशल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है जो कि मोबाइल डिवाइसेस पे या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कंट्रोल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग में जो हैकर लोग हैं वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे कि आपको क्या पसंद है, आप कहाँ जाते हैं, किस तरह का आप नाम रखना पसंद करते हैं, कौन से आपके कीवर्ड्स हैं, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, मतलब वो सारी चीज़ों पर अपना काम करते हैं। और जब उन्हें काफ़ी सारी जानकारी मिल जाती है तो उस जानकारी के हिसाब से वो अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपकी मोबाइल डिवाइस पे अटैक करने का काम वो करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मान के चलिए आपको गेम्स बहुत पसंद है, तो वो जो गेम आपको पसंद है तो हैकर क्या करेंगे, उसी गेम की कोई एप्लीकेशन बना देंगे या उसी गेम से मिलता जुलता कोई लिंक बना देंगे और वो आपके पास भेजेंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ पसंद है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप हैकर्स का जो शिकार है वो हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मेथड है। इसमें क्या होता है, हमेशा ध्यान रहे कि जो बाहर से रिक्वेस्ट आती है, यानी जिन लोगों को आप नहीं जानते उन लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से आपको बचना चाहिए। हमेशा वेरीफाई करो किसी भी चीज़ को, डेटा शेयर करना हो, डाउनलोड करना हो, या किसी भी चीज़ के बारे में जो कमिट कर रहा है कि भाई कोई कह रहा है जियो ने ऑफर निकाला है, आपको फ्री में डेटा दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, इस तरह के लिंक आते रहते हैं, आप उन चीज़ों को पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद ही यूज़ करें तो आप इससे बच सकते हैं। एक और बहुत बेहतरीन मेथड है जिसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं, एप्लीकेशंस, यानी कि एप्लीकेशन परमिशंस। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन परमिशन से मेरा मतलब है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में तो उसकी परमिशंस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अननोन एप्लीकेशन, कई एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई प्ले प्रोटेक्ट को बंद कर दो, या अननोन डिवाइसेस वाले, या अननोन अपनी सेटिंग्स में जाके अननोन डिवाइसेस को ऑन करो, तो ऐसी एप्लीकेशंस कई बार मैलिशियस हो सकती हैं, तो आपको उनसे बचना चाहिए। देन हमेशा आपको क्या है, इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए देखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, बायोमेट्रिक लॉक्स और रिमोट वाई फीचर्स का आप हमेशा इनेबल्स रखें। मतलब बहुत सारी ऐसे मेथड्स हैं जिनके इस्तेमाल से आप ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं, अगर आप उन पर ध्यान भी दे रहे हैं तो भी आप बच सकते हैं। एक फाइनल जिसका हैकर और बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमेल अटैचमेंट्स। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं तो भी आपने देखा होगा ज़्यादातर जो नोट्स वगैरह हैं वो ईमेल के साथ अटैच करके आते हैं, तो आपको उन्हें वेरीफाई करना चाहिए, मलवेयर उनके अंदर कहीं कोई मलवेयर तो नहीं है, एंटीवायरस आपके डिवाइस में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जो हैकर लोग हैं वो ईमेल के साथ कोई भी लिंक आपको भेज सकते हैं, किसी वेबसाइट का लिंक भेज सकते हैं, किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक भेज सकते हैं, तो इसकी मदद से भी वो आपकी डिवाइस पर कंट्रोल बना सकते हैं। तो जो अटैचमेंट्स हैं या अननोन सेंडर्स हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। गाइस, ऐसे ही जो मैंने आपको बताया एप्लीकेशन की परमिशंस, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करी है उसमें किस तरह की परमिशंस आपने दी हैं,
तो इन पे आप फोकस करें और अपनी डिवाइसेस को सुरक्षित करें। तो ये था हमारा अब तक का मेथड, जिससे कि आपको पता चला होगा कि कोई भी जो हैकर्स हैं वो आपकी डिवाइस पे किस तरह से कंट्रोल बना सकते हैं, वायरस पेलोड ट्रोजन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे भी वो कंट्रोल बनाते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर हैं तो कोई भी आपकी मोबाइल डिवाइस पर कंट्रोल नहीं बना सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।